नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा कि जो वीडियो है वो 2017, 18 और 19 बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रमोट पॉलिसी के ऊपर। प्रमोट पॉलिसी हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? ये जो प्रमोट पॉलिसी है ये बहुत ही गंदी पॉलिसी है, इसके बारे में बताऊँगा आखिर में इसको मैं गंदा क्यों बोलता हूँ। और उसके बाद में मैं अगर ये पॉलिसी रही तो ये सत्य मान के चलिए इस बार बहुत अनर्थ होने वाला है। सभी लोग की ज़िंदगी और प्लस पैसा प्लस टाइम सब कुछ बर्बाद होने वाला है। मैं आखिर में क्यों कह रहा हूँ ये सारी चीज़ को मैं बताऊँगा। उसके बाद में ये जो पॉलिसी दिया गया वो केवल से केवल एक चीज़ ये मान के चलिए केवल बेवकूफ़ बनाया गया है, उसके अलावा मुझ कुछ नहीं किया गया है। केवल से केवल, हाँ भाई, केवल से केवल बेवकूफ़ बनाया गया और कुछ किया ही नहीं गया हम सभी को। ये जो गवर्नमेंट वगैरह है ना, ये जो PLP वगैरह जो अधिकारी ना, वो सब मूर्ख समझते हैं। जो बच्चे इतने दिन से बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा भी वेस्ट करते हैं, सब बर्बाद हो जाएगा अगर ये चीज़ रहेगा, ये पॉलिसी प्रमोट पॉलिसी रहेगी तब। भाई अभी तक मुद्दा गया था हमको प्रमोट करो, उन्होंने प्रमोट कर दिया आप सभी को, लेकिन मझधार में डाल दिया, फंसा दिया। यानी कि दो रास्ते हमको सुझा दिए गए और दोनों रास्ते पे हमको खतरा ही खतरा है। एक तो पेपर का रास्ता, अभी मैं सभी को डिस्कस कर लूँगा। थोड़ा सा पहले मैं अपने चीज़ों को रख लेता हूँ कि किस चीज़ के बारे में बात करूँगा। और आखिरी पॉइंट हमारा रहेगा जो ये 5 साल संविदा है, इसको हटाओ और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि नए रोज़गार लाओ, तब देश आगे बढ़ेगा। ये स्कूल बंद कर दो, जहाँ 5-6 बच्चे थे वहाँ का स्कूल बंद कर दो, उसको बंद करके वहाँ के टीचर को कहीं अलग लगा दो। 6-7 करोड़ जो जगहें हैं हमारे भारत भर में, उसका अभी कोई वैकेंसी ही नहीं भरा जा रहा है। कोई नई वैकेंसी आती भी है तो पेपर दे लो, या फिर पेपर 2-4 साल बाद में देने को मिलता है, उसके बाद में उसका केस चला जाता है कोर्ट में, 4-5 साल वहाँ लग जाते हैं। और उसके बाद में भी मान के चलो 5 साल संविदा पर हमको काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेकार हैं। ये जो 5 साल संविदा का ये जो नियम बनाया गया है, ये 5 साल संविदा का नियम बहुत व्यर्थ है, बहुत बेकार नियम है। देखिए, गवर्नमेंट भले ही अच्छा सोचती हो, भले ही सोच रही हो, लेकिन यार ये चीज़ समझो सभी लोग कि जो हमारा भविष्य है वो कितना अंधकार में जा रहा है। आप सभी लोग को मालूम होगा कि भाई जो बच्चा स्ट्रगल करके वहाँ तक किसी तरीके से पहुँचता है, उसको फिर 5 साल संविदा पर काम करना पड़ेगा। देखिए, संविदा बुरी नहीं है, मैं थोड़ा सा आप सभी को डिस्कस कर लेता हूँ, यही बता देता हूँ। देखिए, संविदा बुरी नहीं है, लेकिन एक वहाँ पर नियम जोड़ दीजिए, जो नौकरी पा गया है उसको नौकरी मिली ही रहेगी, उसकी नौकरी छीनी नहीं जा सकती किसी भी कंडीशन पर। अब वो चाहे संविदा पर रख लो शुरू में, और चाहे पहले गवर्नमेंट कर दो हमको, लेकिन ये चीज़ वहाँ पर लिखो, ये चीज़ गवर्नमेंट को लिखना चाहिए वहाँ पर, कि जो एक नियम बना दो वहाँ पर कि मतलब जो है जितने भी देखिए वहाँ पर ये नियम बना देना चाहिए हमको कि जो भी 5 साल की नौकरी, भाई 5 साल बाद पर गवर्नमेंट करने वाले हो, लिख के दे दो हमको कि 5 साल बाद हमको गवर्नमेंट निश्चित होना है। भाई तो हम मान लेंगे, भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, भाई 4-5 साल देख लो, भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर पैसे की अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, 4-5 साल ठीक है, हम प्राइम मतलब संविदा पर रह लेंगे, उसके बाद हमको परमानेंट कर दो, ये लिख के दो हमको परमानेंट मिल जाएगा, तो ठीक है चलिए आपके संविदा वाली ठीक है रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आगे चर्चा करता रहूँगा, चूँकि वीडियो में पूरा ये मान के चलिए पूरा बहुत ही बेसिक से बनाऊँगा, मतलब वीडियो इसको मैंने सोचा है इस तरीके से कि हर चीज़ को बता दूँ। ये वीडियो देखने के बाद में आप सभी के मन में कोई भी प्रकार का दिक्कत ना आए। मैं स्टार्ट कर दूंगा, सबसे पहले प्रमोट पॉलिसी से स्टार्ट करूंगा। देखिए, मैं लिख के समझाऊंगा आप सभी को। देखिए, ये प्रमोट पॉलिसी, ठीक है, प्रमोट पॉलिसी जो निकल के आया हुआ है DLED वालों का, प्रमोट पॉलिसी में मैं सबसे पहले बात करूंगा 2019 वाले छात्रों के लिए, 2019 वाले छात्र के लिए। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, ठीक है, कि सर ये बताओ, सर वो बताओ, चूँकि मेरा नंबर सभी के पास में है ना। तो देखो, बात को समझो, 2019 के बच्चे थे ये, प्रथम सेमेस्टर में थे, कोरोना काल में इनको द्वितीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना था, लेकिन इनको जो है प्रमोट किया गया है।
अब कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे, सर ये बताइए हमको ज़रा कि इनको किस आधार पर प्रमोट किया गया। देखिए 2019 वाले बच्चों को अभी प्रमोट नहीं किया गया है, ये समझो अभी फर्स्ट प्रमोट नहीं हुआ है। इनको प्रमोट कब किया जाएगा ये भी समझ लो, सारी चीज़ क्लियर कर लो भाई। जब आप द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा देंगे उसमें जो भी आप अंक पाएंगे उसके अंक के आधार पर आपको प्रथम सेमेस्टर में नंबर दिया जाएगा, प्रथम सेमेस्टर में नंबर दिया जाएगा। अब एक चीज़ याद रखो बच्चा, इसमें क्या होगा, कोई भी बच्चा फेल ना होने पाए, सेकंड में कोई भी बच्चा फेल ना होने पाए, ये चीज़ याद रखो। अगर फेल हो जाओगे तो हमको बैक पेपर दे कर के पहले सेकंड को क्लियर करना पड़ेगा, पहले सेकंड को क्लियर करना पड़ेगा तब हम लोग जो है फर्स्ट में प्रमोशन पाएंगे। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि चलो ठीक है सेकंड का दे लो, सेकंड का एग्ज़ाम दे लो, फर्स्ट प्रमोट हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं गलती से फेल हो गए या बैक सेमेस्टर लग गया तब आपको ये फर्स्ट में प्रमोट नहीं मिलेगा, फर्स्ट की मार्कशीट नहीं मिलेगी जब तक आप सेकंड को क्लियर नहीं करोगे। जब सेकंड क्लियर कर लोगे तो फर्स्ट में आप सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये 2019 का मुद्दा समझ में आ गया। दो चीज़ें यहाँ पर हैं, हमको पूरी तन्मयता से मेहनत करना है, सेकंड में अच्छे नंबर लाना है तब हमको फर्स्ट में प्रमोट मिलेगा, ठीक है। अगर फेल हो गए सभी लोग, देखिए ये भी सबके मन में कन्फ्यूज़न है, अगर दिमाग में आ गया तो वो भी समझो। अगर सेकंड में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, फेल का माने एक आधा सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा। सबसे पहले उस सेमेस्टर को क्लियर करना पड़ेगा, सेकंड को पूरी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा आप सभी को। जब सेकंड पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा तब आपको फर्स्ट में प्रमोट मिल जाएगा। ये तो था 2019 की बात है। अब 2018 वाले बच्चों की बात कर लेते हैं, ठीक है, 2018 वाले बच्चों की बात कर लेते हैं, हम सभी को एक क्लियर से बताते हुए चलेंगे। 2018 वाले बच्चों की बात करते हैं। 2018 वाले बच्चे देखो, कोरोना काल में उनको थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना था, उसके पहले उन्होंने सेकंड और फर्स्ट को क्लियर किया है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका फर्स्ट क्लियर है सेकंड क्लियर है। मैं पहले क्लियर वालों को बताता हूँ, ठीक है, सबसे पहले क्लियर वालों को समझूँ। जिनका फर्स्ट क्लियर है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ क्लियर वाला, ठीक है, ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो इसके औसत अंक के आधार पर सभी को यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है, सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन ये क्लियर वाले बच्चे हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से पास हैं, किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर बैक पेपर वालों की बात कर लेता हूँ, ठीक है। बैक पेपर जिनका है, जैसे फर्स्ट में बैक पेपर है, ठीक है, और सेकेंड में बैक पेपर है, दोनों में बैक पेपर लगा हुआ है, तो देखो ये बैक पेपर पहले क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके बैक पेपर हैं आपको बैक पेपर पहले क्लियर करना पड़ेगा सभी सेमेस्टर का। अगर आप फर्स्ट में बैक हैं तो बैक को फर्स्ट में क्लियर करो, सेकंड का बैक है सेकंड में क्लियर कर लो, और उसके बाद में थर्ड आपको प्रमोट मिलेगा, थर्ड भी आपको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, जब आप लोग फर्स्ट और सेकेंड का कम्प्लीट कर लोगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड का कम्प्लीट कर लोगे। अब ये आपके मन में चीज़ आ रहा होगा कि पेपर हमारे कब होंगे, ठीक है, अब ये सोच रहे होगे आप लोग कि पेपर कब होंगे। अब बहुत बच्चे तो ऐसे सोच रहे हैं, भाई अभी तो जल्दी में ही सेकंड का एग्ज़ाम होगा, तो बैक वाले भाई सेकंड में बैक जिसका लगा सेकंड वाले का एग्ज़ाम दे लोगे, अब फर्स्ट वाले कब एग्ज़ाम देंगे। यानी कि जो 2018 बैच के जो मतलब सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है वो कब एग्ज़ाम दोगे। तो एक चीज़ समझिएगा आप लोग, ऐसा नहीं है कि अब आपको 2021 में नया एडमिशन होगा उसके साथ में आपको फर्स्ट का पेपर देना होगा, ये एकदम नहीं होगा। आप होगा कैसे मैं समझाता हूँ आप सभी को, ये जो फर्स्ट वाला है चूँकि प्रमोट करना है उनको, बात को समझिए, चूँकि सभी को प्रमोट करना है तो क्या काम कराएगा, सेकंड का एग्ज़ाम जो है, बात को समझिए मेरा, सेकंड का जो एग्ज़ाम हो वो सेकंड के साथ में करवा लेगा, ठीक है, जो अभी 2019 बैच वालों के साथ में सेकंड को दे लो, ठीक है। अब फर्स्ट कब दोगे, जब फर्स्ट का बैक लगा हुआ तो फर्स्ट का बैक कब दोगे, इसी के बाद में बैक करवा लिया जाएगा सेकंड वालों का। यानी कि एक थोड़ा सा ऐसे शेड्यूल निकाल दिया जाएगा कि जो बच्चे फर्स्ट में बैक हैं, ठीक है, फर्स्ट में बैक हैं वो इस तारीख को आकर के अपने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कर लो, अपने अपने एग्ज़ाम क्लियर कर लो। यानी फर्स्ट और सेकंड जैसे आपका क्लियर होता है तुरंत ही आप सभी को इसमें यानी थर्ड में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ये भावना आ रही होगी कि सर हम फोर्थ का एग्ज़ाम कब देंगे, भाई हम फोर्थ का एग्ज़ाम कब देंगे। अब मेरी बात यहाँ पर समझो, आपके मन में जितनी भी डाउट है सभी को क्लियर करूँगा मैं।
देखो फोर्थ का एग्ज़ाम आप लोग दोगे, जैसे अभी परीक्षाएं होंगी तो फोर्थ का एग्ज़ाम दोगे, बट आपको थर्ड की प्रमोट मार्कशीट नहीं मिलेगी। थर्ड की प्रमोट मार्कशीट आपको नहीं दिया जाएगा, यानी पूरी तरीके से एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं करोगे, ठीक है। यानी कि 2019-18 बैच वाले फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दोगे, अभी दोगे, अभी तो सबको देने को मिलेगा, लेकिन आपको थर्ड में प्रमोशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप सेकेंड और थर्ड को क्लियर नहीं कर लेते हो। जब सेकेंड और थर्ड को आप लोग क्लियर कर लोगे, थर्ड में प्रमोट मिल जाए, सॉरी सेकेंड फर्स्ट को क्लियर कर लोगे, थर्ड में प्रमोट मिल जाएगा, अब आप फोर्थ में तो भाई पेपर दिए हुए हैं, अब उसमें जो होगा पास हो जाते हैं, अच्छी बात है, पास हो जाएंगे, यहाँ पर थर्ड में भी पास हो जाएंगे, सेकेंड और फर्स्ट में भी पास हो जाएंगे, सीधी सी बात आपकी जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपके डिप्लोमा में पास लिख के भेज दिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपका डिप्लोमा रुका रहेगा जब तक आप लोग ये वाला प्रमोशन वाला मुद्दा नहीं सॉल्व कर लेते हो। कब सॉल्व होगा? जब यहाँ पर अगर बैक लगा होगा या बैक सेमेस्टर होगा तो जो भी है उसको क्लियर करना होगा, और इसी साल क्लियर हो जाएगा ये भी मान के चलिए। ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि सेकेंड वाले तो सेकेंड के साथ में दो लोगे है ना, लेकिन फर्स्ट वाले कब देंगे? फर्स्ट वाले भी इसी साल दोगे, अभी जल्दी में ही वो सब कुछ निकल के आएगा और उसी के साथ में आपको भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये आप फोर्थ वालों का जो है समस्या सॉल्व हो गया। फोर्थ वाले एग्ज़ाम दोगे सभी लोग दोगे, ठीक है। एग्ज़ाम अभी जब फोर्थ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा सभी लोग फोर्थ का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। लेकिन थर्ड में प्रमोशन तब मिलेगा आप सभी को जब आप फर्स्ट और सेकंड को क्लियर कर लोगे, है ना। अब इसमें प्रमोट पाना है तो अभी जैसे 2019 बैच वालों का थर्ड मतलब सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ में 2018 वाले बैच के जो सेकंड सेमेस्टर में बैक हैं या फिर बैक सेमेस्टर या बैक पेपर वाले हैं इनके साथ में एग्ज़ाम दे लेंगे। अब बचा हमारा जो फर्स्ट में भी बैक लगा हुआ है जिनका, या फर्स्ट में बैक पेपर बैक सेमेस्टर है, वो इसी के बाद में यानी जो सेकंड के है एग्ज़ाम खो जाएंगे उसके बाद में आपको फर्स्ट देने का मौका मिलेगा। जो भी फेल हैं अब जो भी बैक हैं उनको देने का मौका दिया जाएगा, वो यहाँ से देंगे, और फर्स्ट पहले से क्लियर हो गया इनके 2019 वालों के साथ में, सॉरी सेकंड इनके साथ में क्लियर हो गया 2019 के साथ में, ठीक है। और फर्स्ट अलग से दिलोगे तो फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो जाएगा आप सभी का, और जैसे दोनों क्लियर होगा तुरंत आप सभी को थर्ड में प्रमोट किया जाएगा। और फोर्थ का एग्ज़ाम तो पहले से आप लोग दिए बैठे हो, फोर्थ का तो एग्ज़ाम पहले से दिए बैठे हो, बस मैं ये मानता हूँ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। भाई एक चीज़ बताओ, अगर आपका जहाँ पर पैसा बर्बाद हो रहा है, जहाँ पर आपकी डिग्री बर्बाद हो रही है, जहाँ पर आपका समय बर्बाद हो रहा है, उसके जगह पे आपसे थोड़ा सा कह दिया गया भाई थोड़ा मेहनत कर लो। आप 2 घंटे पढ़ते थे, आप 10 घंटा पढ़ने लगो, 2 घंटे पढ़ने थे चलो 5 घंटे स्टार्ट कर दो पढ़ना। भाई अब ये भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा गवर्नमेंट है भाई क्या करेगी, आप सभी को कह देगी चलो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ में दो, सेकेंड वाला भी दो, लो फोर्थ वाला भूल जाओ, फोर्थ वाला भूल जाओ, है ना दो। ऐसा नहीं, आपको देखो सेकंड और फोर्थ दोनों का एग्ज़ाम एक साथ में कंडक्ट करना है, लेकिन जो सेकंड में पास आउट नहीं है वो नहीं, जो भाई फर्स्ट और सेकंड में क्लियर है कोई दिक्कत नहीं, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और फोर्थ में एग्ज़ाम देना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। लेकिन अब जिसका क्लियर नहीं तो फोर्थ का भी दोगे, सेकेंड का भी दोगे, और फर्स्ट का अगर नहीं है तो फर्स्ट का भी दोगे बाद में। तो इसका मतलब है आप सभी को जो बैक पेपर हैं और बैक सेमेस्टर हैं उन सभी को क्लियर करना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। उन सभी को आपको क्लियर करना पड़ेगा, और क्लियर करने भले यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये भी किया जा सकता है, थोड़ा सा आप सभी को छूट दिया जा सकता है, छूट ये भी हो सकता है कि शायद जो उनके डेट शीट निकालें सेकंड का एग्ज़ाम कुछ दिन पहले करवा लें और फोर्थ का एग्ज़ाम उसके बाद में करवाएं, इस तरीके से हो सकता है, यानी एक साथ में नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है तो डीएलएड के एग्ज़ाम होते हैं 2 से 3 दिन के अंदर सभी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे होगा सेकंड का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा उसके साथ में बैक वाले दे लो फटाफट से, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ का एग्ज़ाम कराया जाएगा उसके साथ में जो 2018 बैच के फोर्थ वाले हैं फोर्थ वाले दे लो आराम से, ठीक है। अब अगर कोई फर्स्ट में बैक है तो इसके बाद भी एक डेट शीट और जारी कर दिया जाएगा कि भाई जो बैक वाले हैं 2018 वाले वो अभी यहाँ पर आकर के एग्ज़ाम दे लो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया भाई। अब जो सबके मन में जो भी दिमाग में आ रहा होगा भाई, जो भी प्रॉब्लम है आपके सभी की, तो मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अब किसी की प्रॉब्लम नहीं है। और एक सवाल था सर, अगर 2 विषय में फेल हैं तो क्या प्रमोट किया जाएगा, या 1 विषय में फेल हो तो क्या प्रमोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। देखिए 2 विषय में यदि या फिर 1 विषय में आप लोग फेल हैं तो वहाँ पर आपका बैक पेपर लगेगा, आपको बैक का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 3 विषय में यदि फेल आप हैं तो बैक सेमेस्टर लगा हुआ है तो आपको पूरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी बैक वालों और बैक सेमेस्टर वालों का कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं है,
केवल से केवल उन्हीं का फ़ायदा है जो फर्स्ट और सेकेंड को क्लियर करें हैं, तब उनको थर्ड में प्रमोट मिल करके फोर्थ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब जिसका बैक है और जिसका बैक पेपर है या फिर जिसका बैक सेमेस्टर है, वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्लियर कर लो एग्ज़ाम, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, अब आपको एग्ज़ाम देना होगा और साथ में फोर्थ का भी एग्ज़ाम देना होगा। यानी अब आपको मेहनत एक गुनी, दो गुनी, तीन गुनी, आप जैसे जैसे हैं, अगर एक में बैक है इसका भी देना तो दो गुना मेहनत करो, जिसका तीन में है यानी तीन का देना है तो उसका तीन गुना मेहनत करो, यानी आपको मेहनत अब ज़्यादा करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया सही भाई, सभी को क्लियर हो गया। चलिए, चूँकि 2018 वाले अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, चूँकि अभी इनका फोर्थ बचा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैं 2017 बैच के बारे में बात कर लेता हूँ, चूँकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं यार, थोड़ा सा 17 वाले बैच इतना परेशान है कि पूछो मत, उनके ऊपर लगता है सबसे ज़्यादा पहाड़ टूट पड़ा है। भाई टूटेगा क्यों नहीं, चूँकि 2017 बैच वाले सभी लोग को मालूम है, सभी आधे बच्चे क्लियर रख बैठ गए हैं, यानी अगली नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, या कुछ बच्चे उसी मझधार में डूब रहे हैं, बार बार डूब रहे हैं, उबर रहे हैं, डूब रहे हैं, उबर रहे हैं, ठीक है। तो 17 के बारे में सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, फर्स्ट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, सेकंड बैच कंडक्ट हो गया, थर्ड का भी कंडक्ट हो गया, फोर्थ का कंडक्ट हो गया और रिजल्ट भी आ गया है, सभी लोग पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, यानी 17 वाले पास हो चुके हैं। अब लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं, ये हैं इसमें 2017 वाले बच्चों के लिए। सबसे पहला मुद्दा है, क्या हमको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा? तो एक चीज़ समझ लो, 2017 के बारे में अब तक कोई ऐसी नोटिस नहीं जारी की गई है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, यानी 2017 वाले आप प्रमोट होना भूल जाओ। आखिर में प्रमोट क्यों नहीं किया जाएगा, मैं भी बता रहा हूँ आप सभी को। देखो, प्रमोट क्यों नहीं किया जाएगा ये समझो, चूँकि आपके सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो रुका हुआ है, आपके सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए गए हैं, इसलिए आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब आपका एग्ज़ाम कैसे होगा बात को समझो, जैसे यदि आप यहाँ पर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी आपका बैक लगा हुआ है तो उस बैक पेपर को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, उस बैक पेपर को आपको क्लियर करना पड़ेगा। चीज़ें क्लियर हो गई, जैसे आपका मान के चलो सेकंड में बैक लगा हुआ है तो बैक पेपर आपको देना पड़ेगा, सेकंड वाले सेकंड के साथ में बैक देंगे, थर्ड वाले अब सोच रहे होंगे थर्ड वाले किसके साथ में बैक देंगे, चूँकि थर्ड वालों को तो 2018 वाले के साथ में देना था और 2018 वालों को तो प्रमोट किया गया है, लेकिन 2018 वालों को प्रमोट भी नहीं किया गया, ये भी समझो बात मेरी ना, उनको तो कब प्रमोट किया जाएगा, जब फर्स्ट और सेकेंड में क्लियर होगा तब थर्ड बैच में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझो, अब जो यहाँ पर बैक वाले हैं, थर्ड में बैक लगा हुआ, फोर्थ में बैक लगा हुआ, सेकंड में बैक लगा हुआ, फर्स्ट में बैक लगा हुआ, फर्स्ट वाले 2019 बैच के साथ, सॉरी सेकंड वाले 2019 बैच के साथ में देंगे और जिसका फोर्थ में बैक लगा हुआ है 2018 वाले बैच के साथ में देगा पेपर, ठीक है। अब ये बात आ रही है कि ये फर्स्ट और सेकंड वाले क्या करेंगे, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, बैक पेपर है, या जिसका थर्ड में बैक पेपर या बैक सेमेस्टर लगा हुआ, वो क्या करेगा? देखिए यहाँ पर समझो, 2018 वाले में भी तो फर्स्ट वाले ऐसे बचेंगे कि जिनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना, चूँकि उनको भी तो एग्ज़ाम देना है, चूँकि सेकंड वालों को सोचो, 2018 वाले के सेकंड वाले 2019 वाले के सेकंड वाले के साथ में एग्ज़ाम दे लेंगे, बट फर्स्ट वाले किसके साथ में एग्ज़ाम देंगे? ये जो फर्स्ट वाले हैं ये 2017 और 2018 वाले के साथ में एक साथ में एग्ज़ाम देंगे, तो फर्स्ट का क्लियर हो गया, है ना। अब बचा क्या फोर्थ वाले तो 2018 के साथ में देंगे, और थर्ड वालों का क्या होगा? देखिए, थर्ड में आपको बैक लगा हुआ है, यदि बैक पेपर लगा हुआ है तो ये एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट कराया जाएगा, थर्ड वालों का अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और इसके बाद में आपके एग्ज़ाम को करवा लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मान के चलो 2017 वाले बैच के लिए ये जो प्रमोट पॉलिसी है वो एकदम बेकार है, 2017 वाले के लिए प्रमोट नहीं होगा ये निश्चित मान के चलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ किस आधार पर, ये भी समझ लो, बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मैं नोटिस के आधार पर कह रहा हूँ, अंदर की जानकारी के हिसाब से, यानी जो सचिव हैं हमारे उनके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर ये कर लो, सभी लोग वहाँ पर जाकर के प्रोटेस्ट कर दो, धरना दे दो या फिर वहाँ पर अनशन कर दो, अगर गवर्नमेंट मान जाए तो भाई वो बात अलग की है। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग प्रोटेस्ट ना करो, आप लोग सब कुछ करो, मैं आपके साथ में हूँ, मेरे द्वारा जो भी कुछ हो पाएगा मैं आप सभी के लिए करूँगा, लेकिन ये इनकी जो है प्रमोट पॉलिसी कह रही है
ये प्रमोट पॉलिसी कह रही है कि 2017 वालों को नहीं प्रमोट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, चूंकि इनका बैक लगा हुआ है, बैक सेमेस्टर लगा हुआ है, तो ये अपनी बैक और बैक सेमेस्टर को क्लियर करें। मैंने बता दिया फर्स्ट वाले 2017 के फर्स्ट बैच के जो भी बैक हैं वो 2018 के फर्स्ट बैच के साथ में एग्ज़ाम देंगी, इसके बाद में ठीक है, यानी जो अभी थर्ड डोज सेकेंड डोज फोर्थ का एग्ज़ाम होगा उसके बाद में थर्ड फर्स्ट का एग्ज़ाम कराया जाएगा कंडक्ट, ये क्लियरली है, क्लियरली कंडक्ट कराया जाएगा, चूँकि ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं, ऐसे व्यवधान उत्पन्न हो गए, चूँकि आपको मालूम है कि अभी तक 2021 में जो एग्ज़ाम मतलब जो एडमिशन होने वाला था वो अभी नहीं हो पाया है, और 2021 में एडमिशन हो नहीं पाया है, और संभवतः ऐसा लग रहा है कि सत्र को शून्य कर दिया जाएगा। अगर सत्र शून्य हो जाता है तो 2017 और 2018 वाले बैच बच्चे कहाँ जाएंगे, वो किसके साथ में परीक्षाएं देंगे, उनका परीक्षा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उनका परीक्षा कब हो जाएगा, अलग से एक स्कीम निकाल दिया जाएगा, 17 के फर्स्ट और 18 के फर्स्ट वाले बच्चे वहाँ पर पेपर देंगे, और 17 बैच के सेकेंड वाले 2019 बैच के सेकेंड वाले के साथ में एग्ज़ाम दे लो, सीधी सी बात है ना, और थर्ड वाले तो इनको इनकी एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, और फोर्थ वाले 18 के साथ में एग्ज़ाम देना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। तो ये 17 वालों के लिए प्रमोट पॉलिसी नहीं है, 18 वालों के लिए प्रमोट पॉलिसी है, लेकिन तब है जब आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा फर्स्ट और सेकेंड, तब आपको 18 वाले में प्रमोट मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ समझो ठीक है, 2019 वाले बच्चे 100% 100% प्रमोट हो जाओगे, ठीक है, 100% प्रमोट हो जाओगे। अब ये बहुत बच्चे के मन में ये क्या हो रहा होगा, हेजिटेशन, या फिर ये मान के चलो गुस्सा आ रहा होगा कि भाई 2019 वालों को किस आधार पर प्रमोट कर दिया गया है, प्रमोट नहीं किया गया है, सबको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन कब प्रमोट किया जाएगा, देखो ये भी बहुत ज़्यादा असमंजस की बात है। देखो क्यों कब प्रमोट किया जाएगा, देखो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा चलो रहने दो, इरेज मत करो, ठीक है। जैसे 2019 वाले बच्चे बहुत खुशी मत मनाओ भाई, 2019 वाले खुशी मत मनाओ, देखो आपके लिए भी बहुत बड़ी दुविधा है, फर्स्ट में प्रमोट तब मिलेगा जब आप लोग सेकंड को क्लियर कर लोगे, ठीक है, सेकंड को क्लियर कर लोगे, अगर सेकंड किसी कारण क्लियर नहीं होता तो फर्स्ट में प्रमोशन भूल जाओ, फर्स्ट में प्रमोशन भूल जाइए आप लोग, सेकंड में क्लियर करोगे तब फर्स्ट में प्रमोशन मिलेगा, अगर बैक लग गया या बैक सेमेस्टर लग गया तो फिर इसको क्लियर करने के बाद ही यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा, अन्यथा आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई जो भी चीज़ थी आपके मन में, मैंने एक एक चीज़ को आप सभी के सामने रख दिया है, मैंने इतने दिन से एनालिसिस किया है सभी के कमेंट को, सभी के कॉल्स को एनालिसिस किया है, सभी कुछ को एनालिसिस करते हुए ये मैंने वीडियो बनाया है, सबकी एक एक पॉइंट को रखा है। अगर आपने वीडियो को कहीं पर स्किप किया होगा तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपको वीडियो फिर से देख लो एक बार, क्योंकि वीडियो देखोगे जितनी बार तभी क्लियर होगा आप सभी को पूरा, नहीं बाद में फिर सर मैसेज करोगे हमारे पास में आप लोग कि ये बताओ सर वो बताओ, ठीक है, बाद में कॉल करने लगोगे, मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे फर्जी की बकवास करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, देखो सबसे पहले वीडियो अगर कहीं काट पीट के अगर यहाँ तक पहुँच गए हो आप लोग, ठीक है, तो फिर से वापस जाओ, वापस जाने के बाद में पुनः फिर से एक एक पॉइंट को वीडियो देखो, एक एक चीज़ को देखना, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा सर मेरे बारे में नहीं कहा गया, मेरे सेमेस्टर के बारे में नहीं कहा गया, या फिर मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स थे उस प्रॉब्लम्स को कहा नहीं गया, ठीक है, आप लोग मेरे पास वो सेंड कर सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर केवल मैसेज आप लोग करेंगे, आप अपना सेमेस्टर भी लिखेंगे और आपकी प्रॉब्लम लिखेंगे, आप सेमेस्टर प्लस प्रॉब्लम लिखेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं वीडियो के थ्रू आप सभी को जानकारी दे दूँगा, ठीक है। बस आपके पास समय देखिए कितना है, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आपके पास समय बस आज के है, आज वीडियो देखो, आज वीडियो देखने के बाद जो भी समस्या है इसको बस सेंड कर दो हमारे पास में, ठीक है, उसका जो भी हमारे पास निर्णय होगा मैं उसको अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी और सभी को दे देना चाहता हूँ, अभी कुछ ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, हमारे जो आप सभी को मालूम है प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ गया हो, साइड स्क्रीन पर है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी साथियों को विशु यादव का नमस्कार, ये हमारे 2018 बैच के विशु यादव जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जी, ठीक है। बैक प्रमोट मुद्दा, जो बैक पेपर वाले हैं, देखिए ये तो थी प्रमोट पॉलिसी, ये जो 16 तारीख को निकल के आई उसका पूरा एनालिसिस है, बट यहाँ पर समझो जो भी DLED में इन्होंने क्या कहा, 2018 बैच के उपाध्यक्ष तो अपने बारे में कहा, ठीक, क्या कहा है कि DLED 2018 बैच के जिन साथियों का किसी भी सेमेस्टर में बैक हो, बैक है, या साथी बिल्कुल परेशान ना हो,
सिर्फ सेमेस्टर के जिस विषय में बैक लगा हुआ है उसी की तैयारी करते रहो। देखिए इन्होंने भी यही चीज़ कह दिया है, जिस विषय में बैक लगा हुआ है उसकी तैयारी करते रहो। सीधी सी बात है, ये प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, क्योंकि इनको पूरी जानकारियाँ होती हैं, ये कॉन्टेक्ट में रहते हैं पीएनपी के, ठीक है। और क्या है, क्योंकि अक्टूबर में प्रस्तावित फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही बैक प्रशिक्षुओं का भी पेपर कराया जाएगा। देखो सेम टू सेम मैंने कहा था, प्रूफ के साथ भी दूंगा, तुम्हारे सभी को प्रूफ भी दे दिया है, ठीक है। आगे क्या है, उसके उपरांत जो प्रशिक्षु बैक की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा उसे औसत अंक के आधार पर थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। देखो मैंने जो कहा सेम टू सेम इन्होंने भी वही कहा है, मैंने कोई चीज़ अलग से नहीं कहा, प्रमोट पॉलिसी के अंतर्गत ही कहा है, ठीक है। आगे क्या है, अगर ठीक है बहकावे में ना आए, पढ़ाई करते रहें, अगर बैक साथियों के साथ में कोई, अगर बैक पेपर वाले विद्यार्थियों के साथ में अगर कोई भी अन्याय किया जाएगा, ठीक है, तो ये हम लोग आंदोलन कर लेंगे, हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, ये दूसरी नोटिस देखिए, दूसरी चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये अभिषेक तिवारी जी के द्वारा नोटिस है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं 2018 बैच के, थोड़ा समझिए आप लोग। बैक के सभी साथियों 17-18 के लिए अब यहाँ से आवश्यक है कि अपनी पढ़ाई की गति से शुरू कर दें, यानी अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। देखिए उपाध्यक्ष जी हमारे, ये उपाध्यक्ष जी ने पहले कहा, अब अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, 17-18 वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जब आप किसी प्रकार से भ्रमित होते हैं तो आप स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होंगे, अगर आप लोग किसी भी चैनल के द्वारा बताई गई गतिविधियों पर ध्यान देंगे तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कहीं पर ध्यान मत दो, क्योंकि सब लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पूरा एनालिसिस किया है, नोटिस का पूरा एनालिसिस किया, आपके सामने रख दिया है। अब आपके मन में कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप लोग भ्रम हो रहे हैं, भ्रम में आ रहे हैं, तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इसके मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ना अध्यक्ष जी जिम्मेदार हैं अपने। आगे क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी जी द्वारा पीएनपी फजीय से वार्ता का सार, क्या क्या इन्होंने बात किया, क्या कि पूर्व के किसी भी सेमेस्टर में बैक के जो बैक के प्रशिक्षु को बिना बैक पेपर के पास किए प्रमोट नहीं किया जा सकता है, ये हमारा पीएनपी से जो है बातें हुई हैं, ठीक है। आगे क्या है कि जिनका भी बैक है अथवा आप सर्वप्रथम उसको पास कर लो, उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर में आप पदोन्नति दिया जाएगा, इन्होंने कहा साफ साफ, ये इसी के आधार पर कहा इन्होंने कि अलग से कुछ नहीं कहा हुआ है, मैंने प्रूफ भी आप सभी को दिया है, समझो। आगे क्या है कि आप सभी से पुनः अवगत कराया जाता है कि ध्यान रखें संगठन हर कदम पर आपका साथ देगा, लेकिन जब आपके साथ में अन्याय होगा तभी संगठन आपके साथ में रहेगा, उसके पहले संगठन आपके साथ में नहीं रहेगा, आपको पेपर पास करना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचते हैं कि हम धरना करवा देंगे कि हमको प्रमोट करो, तो ये भाई कोई नहीं करेगा, ये जब सीधी सीधी बात कह रहा है वो कि प्रमोट होगे, सभी प्रमोट होगे, लेकिन पहले पिछला क्लियर कर लो, ठीक है। अब ऐसा थोड़े है कि समस्या एक दिन आई है, उधार पहले का लिया रखा हो आपने और उधार इधर भी ले लिया हो, तो इधर वाले के सामने पिछला वाला उधार भी माफ़ कर दिया जाए, ऐसा तो है ही नहीं, सब उधार पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। विश्वास रखें आप सभी बैक वाले की अगली भर्ती में सम्मिलित होंगे, जो भी 2018 बैच हैं, 2017 बैच हैं, इस सभी को अगली भर्ती में आने का मौका मिलेगा। बस लेकिन आप सभी को क्लियर करना पड़ेगा आपके बैक। अब ये आप, मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर थोड़ा सा तन्मयता से नहीं पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कम कर रहे हो, तो आज से 4 गुना मेहनत कर दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब कुछ क्लियर कर लो। 2018 वाले 2017 बैच वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उनको भाई सब कुछ क्लियर करना है, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। 2018 बैच वालों के लिए तो भाई फर्स्ट सेकेंड ही है, फोर्थ भी है, तो 3 का मेहनत करना पड़ेगा, फर्स्ट वालों को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेकेंड में है, अपना सेकेंड का मेहनत करें और सेकेंड को अच्छे से दें, उसमें बैक वगैरह ना आने पाए और फर्स्ट में प्रमोशन ले लें, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी जो भी प्रमोट पॉलिसी है, इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है, आप सभी को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हेल्प मिलेगा इससे, आप सभी को ये मान के चलिए, इससे बाद में आप सभी आपके कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आपका जो मन भ्रम इधर उधर भाग रहा था वो कभी नहीं भागेगा। आज के बाद में आप सभी से किसी भी वीडियोज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब के माध्यम से किसी भी चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है, उसमें ये भी कहा जाता है कि जो 17 वाले प्रमोट हो जाएंगे, 18 वाले प्रमोट हो जाएंगे, 19 वाले ये हो जाएगा, तो उसके ऊपर कतई ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया, अब इसके बाद में कोई भी दूसरा उपाय हमारे पास में नहीं है, ठीक है। और 2017-18 वाले बच्चे सभी लोग जो है भर्ती में शामिल हो पाएंगे, अग्रिम भर्ती आने वाली है, आपको करना क्या होगा, मेहनत करके अभी इसी वक्त आप सभी को सब कुछ क्लियर कर लेना है आपका, ठीक है। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा, अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है। और
पहली बार यदि वीडियो को देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपके प्रॉब्लम के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।